अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक न्यूज़ साइट के नाम से रिसीवर है जी, NS8100। इसमें फॉल्ट ये है कि हम जब इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें सिर्फ रेड लाइट आती है, इसमें और कोई चीज़ शो नहीं होती। ये देख लें, सिर्फ रेड लाइट आ रही है। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का ये हमें फॉल्ट मिलता है, कि आगे बोर्ड का फॉल्ट है, ये सप्लाई का फॉल्ट है, किस चीज़ का फॉल्ट है। मेरा नाम अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। यह मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी। अब हम सबसे पहले तो इसके सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं, क्या ये सप्लाई के वोल्टेज का प्रॉब्लम है या आगे इसके बोर्ड में ये फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। या मैं इसकी सप्लाई का वोल्ट चेक करने लगाऊं, ये पहले वोल्ट आ रहे हैं 2.16, ठीक है। इसके आगे आ रहे हैं ये 25 वोल्ट, उसके आगे आ रहे हैं ये 33 वोल्ट, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड। इसका मकसद है कि ये हमारे जो रिसीवर की सप्लाई ये काम सही नहीं कर रही, क्योंकि ये पहले वोल्ट कम आ रहे हैं जो 3.3 आने चाहिए, ठीक है जी। आगे इसको 15 या 25 वगैरह आने चाहिए, वो इसके वोल्टेज आगे सारे बढ़ चुके हैं, पहले इसके वोल्टेज कम है। अब हम ये सबसे पहले इसको सप्लाई को चेक करते हैं, क्योंकि सप्लाई के वोल्ट पूरे नहीं आ रहे, क्योंकि सप्लाई के वोल्टेज दे या तो 5 आने चाहिए या 3.3 आने चाहिए, ठीक है जी। पहले वोल्ट, वो पहले वोल्ट ही इसके आ रहे हैं जी सिर्फ 2.1816 वोल्ट, ठीक है जी, 2 वोल्ट आ रहे हैं। क्यों, कम से कम ये 3.3 की सप्लाई हो तो 3 वोल्ट तो आने चाहिए, वो भी कम आ रहे हैं, लेकिन आगे के वोल्टेज के सभी बढ़ चुके हैं। ये देख लें 33 वोल्ट आ जाए, 33 वोल्ट आने नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा रिसीवर नहीं जिसमें 33 वोल्ट आ रहे हो, ठीक है। इसलिए लिहाजा हम इसकी सबसे पहले सप्लाई को चेक करते हैं। अब इसका ग्रिप उतार लिया है, अब मैं इसका दोबारा वोल्ट चेक करने लगूँ, क्योंकि ग्रिप उतारने के बाद इसके वोल्ट क्या वापस आएगा। ये 3.3 आ चुके हैं, ठीक है जी, ये आगे इसके 26 वोल्ट आ चुके हैं और ये इसके 25 वोल्ट आ चुके हैं। ये 26, ये 25 आ रहे हैं, ये भी 25 आ रहे हैं। अभी भी इसके सप्लाई का ही फॉल्ट आ रहा है, क्यों, ये तो इसके 3.3 आ चुके हैं, ठीक है जी, लेकिन आगे के वोल्ट अभी भी इसके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है ये हमारा जो वो 3.3 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है, इसका ये फॉल्ट आता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये चेंज करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉल्ट ये इस कैपेसिटर का आ जाता है, ये डेड हो जाए, डी वैल्यू हो जाए तो फिर ये ऐसे हरकतें करती हैं ये सप्लाई। अब ये लगाता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा चेक करता हूँ। इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी 10 वोल्ट 1000 UF, ठीक है जी। अब इसकी जगह पे हम और कैपेसिटर लगाते हैं। इस कैपेसिटर के जो मुतबादल में आप लगाने लगा वो ये लगाने लगा हूँ 16 वोल्ट में 1000 UF, ठीक है जी, ये बिल्कुल फिट काम करेगा और दोबारा ये जल्द फूलेगा भी नहीं। जो ये फूल जाते हैं, डी वैल्यू हो जाते हैं, ये जल्द डी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये 16 वोल्ट में है। यह मैंने इसमें कैपेसिटर लगा दिया है जी। लगाने के एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड देख कर लगाना, ये रहो कि आप उल्टा लगा दें, ठीक है, ये सिमत देखना लाजमी है। आप इसके दोबारा वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये आप इसके वोल्ट बरकरार हुए हैं कि नहीं हुए, क्या आप भी इसके वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसके वोल्ट मैं दोबारा चेक करने लगा हूँ सप्लाई के, ये इसके 3.3 आ रहे हैं जी, ये इसके 13.8 और ये इसके 17.7। अब जो पहले इसके ये 33 वोल्ट आ रहे थे, 25 वोल्ट आ रहे थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके बिल्कुल फिट वोल्ट आ रहे हैं, ये इसे फिल्टर की ही वजह थी। अब इसको मैं सप्लाई को लगा कर चेक करता हूँ। ये ग्रिप मैंने लगा दिया और फ्रंट से अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है। और इसके बाद इसके सभी रेगुलेटर के वोल्ट चेक कर लेते हैं, ताकि इसका ये फ़ायदा होता है अगर कल दो अगर हमें भी चाहिए किसके वोल्ट, वो सभी वोल्ट हमें मालूम होंगे कि इसके ये वोल्ट आ रहे हैं इस बोर्ड में, ताकि आसानी हो जाती है।
ये इसके आ रहे हैं 1.8 वोल्ट। ठीक है, ये इसका रेगुलेटर 16 वोल्ट ले रहा है और इधर से ये 5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, और ये रेगुलेटर इसका 1.1 वोल्ट का। इसके चेक करने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर हमें कल इसको ज़रूरत पड़े इनके वोल्ट चेक करने के, तो हमें मालूम हो गया इसके बोर्ड के ये इस बोर्ड में वोल्ट आते हैं, ताकि हमें दोबारा रिपेयर करना आसान हो जाए। क्योंकि रेगुलेटर कोई भी डेड हो तो फिर हमें मालूम हो गया इसके इस वोल्ट पर, इस रेगुलर पर इतने वोल्ट आने चाहिए, हम वीडियो देखकर ये मालूम कर सकेंगे। ये अब हमारा रिसीवर बिल्कुल ठीक हो चुका है जी, अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। ये अब हमने रिसीवर की फिटिंग कर दी है जी। ठीक है, आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफिज़।